हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, बट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस स्ट्रक्चर। जो हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी, मैं स्ट्रक्चर वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर ग्लूकोज की जो ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ग्लूकोज की जो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको ग्लूकोज की ये वाली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो फैक्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए। फर्स्ट, डेस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिप्स टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लूकोज की इस वाली स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज की जो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ना तो ये शिप्स टेस्ट देती है और ना ही ये NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाती है। अब ये शिप्स टेस्ट और एडिशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये देखिए। यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास जो शिप्स बेस होता है, शिप्स बेस क्या है, शिप्स बेस एक कलरलेस सॉल्यूशन है। शिप्स बेस एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके यानी CHO ग्रुप के साथ रिएक्ट करके रेड PPT बना देता है। शिप्स बेस एक कलरलेस सॉल्यूशन है जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके रेड PPT का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आपने जो ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखी, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, लेकिन फिर भी वो शिप्स टेस्ट नहीं दे रहा, शिप्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। अब ये क्यों हो रहा है? होना क्या चाहिए था कि जो ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, वो शिप्स बेस के साथ रिएक्ट करके क्या होना चाहिए था, रेड PPT का फॉर्मेशन उसको करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। साथ ही साथ दूसरी बात, इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज की जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है यानी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये NaHSO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही और उसके साथ रिएक्ट ना करके हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब ये वाली रिएक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 359 पर होता क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है, वो NaHSO3 के साथ यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऐड करके क्या बनाते हैं, बाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। अब ग्लूकोज की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसको क्या होना चाहिए था, उसको NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके ये वाला एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ग्लूकोज की जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ना तो ये शिप्स बेस टेस्ट दे रही है और ना ही ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना रही, ना तो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है ना ही शिप्स टेस्ट हो रहा है। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि ग्लूकोज का की जो पेंटा एसिटेट फॉर्म है, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम नहीं बना रही। रिएक्शन देखिए, होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना देता है। ग्लूकोज की पेंटा एसिटेट फॉर्म ये है। और इसको समझने के लिए एक और रिएक्शन देखिए, वो रिएक्शन क्या है, ये वाली रिएक्शन। ग्लूकोज क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है। अब जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बना रहा है, तो ग्लूकोज की जो पेंटा एसिटेट फॉर्म है, इसको भी क्या होना चाहिए था, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में और इस ग्लूकोज की पेंटा एसिटेट स्ट्रक्चर में जो CHO ग्रुप है, वो फ्री नहीं है। तो ग्लूकोज की पेंटा एसिटेट फॉर्म हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम क्यों नहीं बना रही, क्योंकि उसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं है। अब इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। जो ग्लूकोज है, वो दो फॉर्म में पाया जाता है। ग्लूकोज की दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म है अल्फा फॉर्म, दूसरी फॉर्म है बीटा फॉर्म।
द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन इज ऑब्टेंड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। तो ग्लूकोज की जो अल्फा फॉर्म है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 419 केल्विन है, ये आपको याद रखना है। अब ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म बनती कब है, तो ये कब बनेगी जब हम ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइज करेंगे। हमें क्या करना है, ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है, इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करना है 303 केल्विन पर, तब हमें ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म मिल जाएगी। व्हाइल द बीटा फॉर्म मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन इज ऑब्टेंड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। दूसरी फॉर्म है ग्लूकोज की बीटा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन, ये आपको याद रखना है। अब ग्लूकोज की बीटा फॉर्म बनती कैसी है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का हॉट और सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। क्या करना है हमें, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और ये एक्वस सॉल्यूशन हॉट होना चाहिए और सैचुरेटेड होना चाहिए। तो ग्लूकोज के इस हॉट और सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को जब हम 371 केल्विन पर क्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें बीटा फॉर्म मिलेगी। यानी ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन पर क्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो अल्फा फॉर्म मिल रही है, और ग्लूकोज के हॉट और सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को 371 केल्विन पर जब क्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो बीटा फॉर्म मिल रही है। तो ये तीन रिएक्शन और तीन फैक्ट थे जो ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को, या फिर कहें कि जो ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो इन तीन फैक्ट्स को डिस्क्राइब, तीन फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इन्हीं तीन पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। तो देखिए, दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर थी ये इन फैक्ट्स को या फिर इन पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इट वॉज प्रपोज दैट वन ऑफ द ओ एच ग्रुप में एड टू द सी एच ओ ग्रुप एंड फॉर्म ए साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो इन तीन पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रपोज किया गया कि ग्लूकोज में जो एक ओ एच ग्रुप है, ग्लूकोज में जो एक ओ एच ग्रुप है ये सी एच ओ ग्रुप के साथ ऐड कर जाता है और ग्लूकोज की एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना देता है। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम समझते हैं कि हेमी एसिटल होता क्या है और हेमी एसिटल बनता कैसे है। तो देखिए, तो हेमी एसिटल कब बनता है, हेमी एसिटल तब बनेगा जब एल्डिहाइड ग्रुप एक एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। जब एल्डिहाइड ग्रुप एक एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा। तो यहाँ पर हम हेमी एसिटल फॉर्मेशन की रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है आर सी एच, ये एच है और ये ओ, आर सी एच ओ। आपको पता है यहाँ पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, R एक एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर हम R डैश लिख लेते हैं इसको, तो ये एल्डिहाइड, ये हमारा एल्कोहल। आपको बताया यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है एल्डिहाइड में, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है और कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस वाले कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इससे जुड़ता है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास R है, यहाँ पर ये कार्बन, इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ इससे ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ा क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ पर ये जुड़ गया। अब इस वाले ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। इस ऑक्सीजन से R डैश जुड़ा हुआ है, ये R डैश ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो ये इसको अनस्टेबल करेगा। अब इस ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये H पॉजिटिव के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है।
अब इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ये वाला हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल गया, तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पर क्या है, ये हमारा आर ग्रुप, ये हमारा कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन हमारा, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन नहीं होगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन है इससे आर ग्रुप, ये जोड़ दिया, ये वाला कार्बन इससे एच, ये जोड़ दिया हमने यहाँ पर, और इस कार्बन से जो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इस ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के रूप में बाहर निकला और इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया, तो यहाँ पर ये ओ एच ग्रुप, बाकी इस कार्बन से ये ओ आर डैश ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ओ आर डैश ग्रुप यहाँ पर ये से जुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती हैमी एसिटल। कैसे हुआ, ये वाला कार्बन यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये इससे आर ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये इससे एच जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन निकल के यहाँ जुड़ गया ओ एच, और इस कार्बन से ये ओ आर डैश जुड़ा हुआ है तो ओ आर डैश, ये वाली स्ट्रक्चर हमारी कहलाती हैमी एसिटल। तो ग्लूकोज में भी सेम टू सेम यही होता है। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इंट्रा हैमी एसिटल ग्लूकोज बना देता है, यानी ग्लूकोज के अंदर अंदर हैमी एसिटल बन जाता है। देखिए, इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स ए सिक्स मेंबर रिंग इन विच ओ एच एट कार्बन 5 इज इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन। तो ये पाया गया कि ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 5 पे ओ एच ग्रुप है वो सी एच ओ ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एक सिक्स मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना देता है। अब जब ग्लूकोज में एक ओ एच ग्रुप सी एच ओ ग्रुप के साथ रिएक्ट करके रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है तो वहां पर क्या हो गया, जब रिंग स्ट्रक्चर बन गई तो उसमें सी एच ओ ग्रुप फ्री नहीं रहा, दिस एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ सी एच ओ ग्रुप। तो इसके कारण क्या हो गया, जब ओ एच ग्रुप और सी एच ओ ग्रुप आपस में मिलकर क्या बना लिया उन्होंने, तो रिंग स्ट्रक्चर बना ली, तो उससे जो सी एच ओ ग्रुप है वो फ्री नहीं रहा, जब सी एच ओ ग्रुप फ्री नहीं रहा तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं हो पा, क्योंकि ये वाली रिएक्शन कब होगी, जब सी एच ओ ग्रुप फ्री होना चाहिए था, लेकिन सी एच ओ ग्रुप तो ओ एच ग्रुप के साथ रिएक्ट करके रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है तो सी एच ओ ग्रुप तो फ्री नहीं रहा, इसलिए ये वाली स्ट्रक्चर भी नहीं हो रही, यानी ये वाली रिएक्शन भी शो नहीं हो रही, दिस एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ सी एच ओ ग्रुप एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन टू फॉर्म एज शोन बिलो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ग्लूकोज है उसमें सी एच ओ ग्रुप अब्सेंट रहता है, यानी सी एच ओ ग्रुप फ्री नहीं रहता है, और साथ ही साथ ग्लूकोज जो ये सिक्स मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है इससे हमें ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म का भी पता लगता है, वो कैसे यहाँ पर हम देखेंगे, दीज टू साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो जो ग्लूकोज की ये जो दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी ये इंटरकन्वर्टिबल होती है, यानी ग्लूकोज की जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट होके साइक्लिक स्ट्रक्चर में चली जाएगी, और जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ये कन्वर्ट होके वापस से ओपन चेन में आ जाएगी। इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर से ये अल्फा ग्लूकोज बना, ये अल्फा ग्लूकोज वापस से कन्वर्ट होके इस वाली स्ट्रक्चर में ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी आ सकती है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहती है। अब देखिए, ग्लूकोज की ये वाली स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर, इस ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर से अल्फा डी ग्लूकोज भी बना और बीटा डी ग्लूकोज भी बना, यानी अल्फा ग्लूकोज भी बन रहा है, बीटा ग्लूकोज भी बन रहा है। अब ये कैसे बनेगा ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इसका पूरा प्रोसेस, सबसे पहले ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और ये छठा कार्बन, यहाँ पर ये सी एच ओ ग्रुप, ये बना दिया मैंने सी एच ओ ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, ये ओ एच, ये एच, एक दो तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे ओ एच लेफ्ट साइड में होता है, ये एच, चौथे कार्बन पर राइट साइड में ओ एच एच ओ एच एच और यहाँ पर सी एच टू ओ एच, ये पहला कार्बन,
दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। होता क्या है इसमें, अब इसमें बनेगा हेमी एसिटल। जो ये वाली मैंने रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई, सेम टू सेम रिएक्शन इसमें भी यही होगी। कैसे होगी देखिए, होता क्या है इसमें, जो ये पांचवें नंबर का कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, इस पे जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो ये फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है, ये क्या करता है, इस कार्बन का जो ऑक्सीजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस CHO ग्रुप के कार्बन को डोनेट कर देता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ये फिफ्थ नंबर का कार्बन है, इसका ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा। सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन का ऑक्सीजन और फोर्थ कार्बन का ऑक्सीजन, ये डोनेट नहीं करेंगे, बल्कि फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा। ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हेमी एसिटल बनने में, ग्लूकोज में, कौन से नंबर का कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो फिफ्थ नंबर का कार्बन डोनेट करता है। तो फिफ्थ नंबर का कार्बन अपने ऑक्सीजन इस पहले नंबर वाले यानी CHO ग्रुप के कार्बन को दे देगा। अब जब ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दिए, तो ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से अब इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे दिए, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ये वाला हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, और एच पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलने के बाद इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था। इस ऑक्सीजन ने, एल्कोहल ग्रुप वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए इस का CHO ग्रुप पे, जो ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए यहाँ पर। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगा, अपने से जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। सेम टू सेम यही हो रहा है, इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब इस जब इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए, तो इस वाले ऑक्सीजन ने, CHO ग्रुप के ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींच लिए, जिससे इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो रहा है अनस्टेबल। तो ये क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, ये वाला हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, एच पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल गया, तो ये इस वाले ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है और इसमें हेमी एसिटल बन जाता है। अब बात आती है इसकी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म कैसे बनती है। अब देखिए, अब जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला कार्बन होता है प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या है, कि इस वाले कार्बन पे ये ऑक्सीजन आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। यानी मान लीजिए ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला ले लीजिए, ये कार्बन है, मान लीजिए ये वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब प्लेनर। प्लेनर का मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। एक बार फिर से, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मान लीजिए मेरी उंगली क्या है, कार्बन है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर है। प्लेनर का मतलब इस पे ये वाला ऑक्सीजन ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। अब मान लीजिए पहले इस वाले ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर नीचे से अटैक किया, कहाँ से अटैक किया, नीचे से। जब नीचे से अटैक करेगा, तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए, कार्बन एक, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन। मान लीजिए कहाँ से अटैक किया उसने, नीचे से अटैक किया, ऑक्सीजन ने कार्बन पर नीचे से अटैक किया। तो जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर नीचे से अटैक करेगा, तो उस केस में इस कार्बन पर जो ये OH ग्रुप बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, इससे ये हाइड्रोजन आकर जुड़ा, OH ग्रुप जो बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा और ये हाइड्रोजन इधर राइट हैंड साइड, बस ये फर्क है। फिर ये हाइड्रोजन इधर, ये OH, इधर OH, तीसरे कार्बन पर ये हाइड्रोजन, चौथे कार्बन पर OH इधर, हाइड्रोजन इधर, पांचवे कार्बन पर ये क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन भी गई
और यहाँ से ये हाइड्रोजन भी गई, तो इधर क्या बचा, बस इधर ये हाइड्रोजन बचा और नीचे बचा CH2OH। और अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किससे जुड़ गया, इस कार्बन से, तो ये वाला कार्बन पहले नंबर का कार्बन और ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरीके से ये अटैच हो गए। क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस कार्बन से और यहाँ पर ये ऑक्सीजन OR- अटैच है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाले कार्बन से जो ऑक्सीजन है वो उसने इलेक्ट्रॉन अपने दिए इस कार्बन से पहले कार्बन को, तो पहले वाला कार्बन और पांचवे वाले कार्बन इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया। तो जब इस वाले ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर नीचे से अटैक किया तो उस केस में OH ग्रुप यहाँ पर पहले वाले कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में आया, तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी बीटा फॉर्म, बीटा डी ग्लूकोज। यानी जब नीचे से अटैक करेगा और पहले कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये कहलाएगी बीटा फॉर्म। अब देखते हैं जब वो ऊपर से अटैक करेगा, जब ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पर ऊपर से अटैक करेगा तो उस केस में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर से जब अटैक करेगा तो उस केस में जो पहले कार्बन पर OH ग्रुप आएगा वो राइट हैंड साइड पर आएगा, तो ये पहला कार्बन, इस पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर ये H, दूसरे पर OH और लेफ्ट हैंड साइड में H, तीसरे पर लेफ्ट हैंड साइड में OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, पांचवे वाले कार्बन पर ये H, यहाँ पर CH2OH और पहले और पांचवे कार्बन के बीच में यहाँ पर ये ऑक्सीजन, तो ये हो गई इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये कहलाती है हमारी अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म। तो बस आप कह रहे हैं जब ऊपर से अटैक किया तो पहले कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में, जब नीचे से अटैक किया तो पहले कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर, बस ये फर्क है, ये बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जब हेमी एसेटल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर ये क्या बन गई, एक रिंग स्ट्रक्चर बन गई, ये क्या है, ये रिंग स्ट्रक्चर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस अल्फा फॉर्म को और बीटा फॉर्म को हमें रिंग के रूप में लिखना है, तो उसके लिए क्या क्या लिखेंगे, हम पहले रिंग बनाएंगे। रिंग कैसे बनाएंगे, ये हमारी सिक्स मेंबर्ड रिंग होगी इस तरीके से, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन, यहाँ पर ये पहले नंबर का कार्बन, ऑक्सीजन से जो अगला कार्बन होगा ये वाला, ये पहले नंबर का कार्बन होगा वो आपको याद रखना है, और यहाँ पर ये, यहाँ पर इस तरीके से, ये बन गई हमारी रिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो क्या, अब इस रिंग से हमें OH और हाइड्रोजन ये भी तो जोड़ने हैं, अब OH हम ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है कि अगर OH ग्रुप हमारा राइट में होगा, OH ग्रुप अगर हमारा राइट में होगा तो उसको हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में नीचे बनाएंगे, बिलो बनाएंगे। तो इस अल्फा फॉर्म में देखिए पहले कार्बन पर OH ग्रुप राइट में है, तो यहाँ पर पहले कार्बन पर OH ग्रुप क्या होगा, नीचे बनाया जाएगा, ये नीचे और हाइड्रोजन को ऊपर बना देंगे। अब दूसरे वाले कार्बन पर, दूसरे वाले कार्बन पर OH ग्रुप राइट में है तो ये दूसरा कार्बन यहाँ पर होगा, OH ग्रुप में राइट में है तो OH को नीचे, OH अगर राइट में होगा तो उसको नीचे लिखना है और हाइड्रोजन को ऊपर। तीसरे वाले कार्बन पर OH लेफ्ट में है, OH लेफ्ट में है तो लेफ्ट का मतलब अगर OH लेफ्ट में होगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, OH अगर लेफ्ट में होगा तो उसको क्या लिखना है, अबाव लिखना है, यहाँ पर हम इसको अबाव बना देंगे। ये तीसरा कार्बन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे कार्बन पर OH राइट में है, OH राइट में है तो उसको नीचे बनाएंगे, हाइड्रोजन को ऊपर बनाएंगे। पांचवा कार्बन, पांचवा कार्बन नहीं है, पांचवे कार्बन से ये CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब इसमें क्या करना है, पांचवे कार्बन पे क्या करना है, आपको जो बड़ा ग्रुप है उसको ऊपर लिखना है, बड़े ग्रुप को हमने क्या लिखा, ऊपर लिखा और हाइड्रोजन यहां पर नीचे आ जाएगा। अब बनाते हैं बीटा डी ग्लूकोज की ये वाली फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म। तो देखिए ये यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अगला कार्बन पहला कार्बन होता है और ये यहाँ पर
इस तरीके से सिक्स मेंबर ड्रिंक बन गई। अब बीटा डी ग्लूकोज को हम बनाएंगे, उसमें भी है ट्रिक, OH अगर राइट में होगा तो उसको बिलो में लिखना है। तो यहाँ पर पहले कार्बन पर OH लेफ्ट में है, OH लेफ्ट में है तो उसको ऊपर लिखना है, OH लेफ्ट में तो ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। दूसरे कार्बन पर OH राइट में है तो उसको नीचे लिख देंगे। तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट में है, OH अगर लेफ्ट में होगा तो उसको ऊपर लिखना है, ऊपर लिखा, हाइड्रोजन को नीचे। चौथे कार्बन पर राइट में है, राइट में है तो नीचे लिखेंगे OH को, और यहाँ पर हाइड्रोजन को ऊपर। पांचवे कार्बन पर बड़ा ग्रुप CH2OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। तो इस तरीके से आप ये दो फॉर्म इसकी देख सकते हैं, ये हमारा अल्फा फॉर्म और ये वाली हमारी इधर बीटा फॉर्म। इसकी हमने क्या बना दी, यहाँ पर ये रिंग बना के मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्फा फॉर्म कैसे बनी और बीटा फॉर्म कैसे बनी। द टू साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज की ये दो साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म है, ये कहाँ पर इनमें डिफरेंस है, इनमें कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस आ रहा है। यानी कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, दो फॉर्म बन रही है। तो इनको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। आप अगर आप यहाँ पर देखें इस वाली फॉर्म में और इस वाली फॉर्म में, कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप अगर राइट में है तो वो अल्फा ग्लूकोज है, अगर कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप लेफ्ट में है तो वो बीटा फॉर्म है। तो सिर्फ एक कार्बन की वजह से ये ग्लूकोज की दो दो फॉर्म बन रही है, सिर्फ एक कार्बन पर कॉन्फिगरेशन की वजह से दो दो फॉर्म ग्लूकोज की बन रही है, तो ये कहलाते हैं हमारे एनोमर्स। क्या कहलाएंगे ये हमारे एनोमर्स कहलाएंगे। तो जहां पर एक कार्बन पर कॉन्फिगरेशन की वजह से ग्लूकोज की जब दो फॉर्म बनी तो ये क्या कहलाएंगे, एनोमर्स कहलाएंगे। ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एनोमर्स कहलाएंगे, और ये वाला कार्बन इस कार्बन नंबर की वजह 1 की वजह से एनोमर्स बन रहे हैं तो ये कार्बन नंबर 1 क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन। तो ये हमारा क्या होगा, एनोमेरिक कार्बन, ये आपको याद रखना है। सच आइसोमर दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर। ऐसे आइसोमर यानी ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ये एनोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक कार्बन पर कॉन्फिगरेशन की वजह से दो दो फॉर्म बन रही है, एक कार्बन की वजह से दो दो फॉर्म बन रही है, तो ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या कहलाएगी, एनोमर, और वो वाला कार्बन क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन। द सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोस स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा इन एनालॉजी विद पायरान। अब जब ये ग्लूकोज की जो ये सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम पायरानोस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वो क्यों, क्योंकि ये पायरान से मिलकर बनी होती है। पायरान हमारा क्या होता है, पायरान हमारा सिक्स मेंबर रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हमारी अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी किससे बनी है, पायरान से। ये हमारा पूरा पायरान इधर से यहाँ से लेके ऑक्सीजन, ये पायरान सिक्स मेंबर रिंग और उसमें ऑक्सीजन, सिक्स मेंबर रिंग और इसमें ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगी, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। यानी जो ये अल्फा डी ग्लूकोज है ये पायरान से बना है, तो इसको हम अल्फा डी ग्लूको पायरानोज भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो बीटा फॉर्म होती है उसको हम बीटा डी ग्लूको पायरानोज भी कह सकते हैं। पायरान इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग। पायरान क्या है, पायरान एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 6 मेंबर्ड की रिंग होती है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाती है, पायरान। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म पायरान से बनी है, तो इनको हम अल्फा डी ग्लूको पायरानोज और बीटा डी ग्लूको पायरानोज भी कह सकते हैं। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हेवोर्थ स्ट्रक्चर एज शोन एज गिवन बिलो। तो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसको हम करेक्टली हेवोर्थ स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। ये वाली और ये वाली हेवोर्थ स्ट्रक्चर है। ये कैसे बनी, ये
इन दोनों से बनी, और इन दोनों से कैसे बनी वो मैं आपको समझा चुका हूं, यहां पर बनाकर ये दिखा चुका हूं। इससे ये बनी और इससे ये बनी। बस क्या याद रखना है, OH अगर राइट में है, OH अगर राइट में है तो उसको नीचे रखना है, और OH अगर लेफ्ट में है तो उसको ऊपर रखना है। बस ये आप यहां पर हैवोर्थ स्ट्रक्चर बना सकते हैं।